कैसे आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी बना रही हूँ वो है सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। बड़े भी खाते होंगे लेकिन बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ये आज मैं बना रही हूँ केक पॉप्स। तो ये है केक जिसका मैंने चूरा बना लिया हुआ है। केक कोई सा भी आप ले लें जो घर में आप बना सकते हैं, जैसे चॉकलेट हो जाए, वनीला हो जाए, कोई सा भी केक आप लें उसको इस तरह इसका ना चूरा बना लीजिएगा। ऐसे मशीन में डाल के चाहे तो चॉप कर लीजिए, चाहे तो हाथ से कर लीजिए। ठीक है जी, ये लेंगे हम। फिर हम क्रीम लेंगे 2 टेबलस्पून, मेल्टेड बटर लेंगे हम 2 टेबलस्पून, और ये सारी क्रीम है, सॉरी चॉकलेट्स है हमारे पास, जो डार्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है और मिल्क चॉकलेट है। ये सबको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद हम ये कैसे बनाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ये ले लेते हैं सारा केक, हम बड़े बाउल में ना शिफ्ट कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ना सबको। ठीक है जी, अब इसमें ये जो मेल्टेड बटर है ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले। अब हम इसमें क्रीम ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये 2 क्रीम से बनता है। एक तो मैंने ये जो व्हिप क्रीम यूज़ की है इससे बनाते हैं, दूसरा इसके अंदर ना वो बटर क्रीम भी ऐड की जाती है, उससे भी ये बनते हैं। उसमें फिर आप ये मेल्टेड बटर नहीं डालते, सीधा बटर क्रीम ऐड करते हैं, उससे ही आप पॉप्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे बिल्कुल रेडी है। इनको अच्छी तरह से मल दिया। ये देखिए बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये इस तरह की शेप में, जैसे आटा गूंद के वो बनाई जाती है ना डोस, समझे। देखिए ये मैंने बना लिया अच्छी तरह से। ठीक है, ये मैंने स्टिक्स रखी हुई हैं। ठीक है, इनकी ये स्टिक इस तरह मैंने बना ली हैं। अब मैं ये केक बॉस के बॉल बनाऊंगी, फिर मैं ये स्टिक के अंदर डाल के इसको पहले आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो जाए। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने जो ये चॉकलेट मेल्ट की है ना सारी, इन चॉकलेट्स में हम डिप करेंगे और इसको वापस रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो पहले बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे इसके बॉल्स बनेंगे। बॉल्स बनने के बाद फिर हम ये स्टिक लेंगे, स्टिक को हम चॉकलेट में हल्का सा मेल्ट करेंगे, यानी कि डालेंगे, डिप करेंगे ऐसे, और फिर इसके अंदर ऐसे कन्वर्ट कर देंगे ऐसे जी। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं बाकी सारे बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये देखिए मैंने सारे केक बॉल्स बना लिए, इसी तरह बनाने आपने भी। और ये बना के तकरीबन आधे घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रखेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इस पर क्रीम लगाएंगे जी। तो ये देखिए मैंने सारे केक बॉल बना लिए हैं, आप भी इसी तरह ही बना के रखिएगा। और ये इसी तरह ही गोल मोल ऐसे होते हैं, और इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा आधे पौने घंटे के लिए। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर उसके बाद इस पे जो हम लोगों ने चॉकलेट मेल्ट की हुई है वो लगाएंगे। तो अभी मैं इसको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ, जब ये ठंडी हो जाएंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये हमारे केक पॉप्स ठंडे हो चुके हैं, इसको हमने आधा घंटा रख दिया था फ्रिज में। तो अब हम ये देखिए सारी मैं डेकोरेशन लेकर आ गई हूँ। ये मैंने मिल्क चॉकलेट बनाई थी, ये मैंने डार्क चॉकलेट, और ये मैंने वाइट चॉकलेट, इसमें मैंने कलर ऐड किया है पिंक, और ये सारी डेकोरेशन है जो इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ऐसे केक पॉप्स को उठाइएगा, ठीक है, और ऐसे अंदर रख दीजिए यूँ, और ऐसे घुमाइए। और आराम से ये स्टिक को उठाइए, इसे घुमा के यूँ निकाल लीजिएगा स्टिक। ठीक है, ये सारी चॉकलेट इसकी जो होगी वो उतर जाएगी, और ऐसे निकाल के हम इस तरफ लगा देंगे। बिस्मिल्लाह, ये हम अंदर की तरफ कर देंगे। ये देखिए इस तरह ये बनेंगे बॉल्स। ठीक है, एक और बना लेते हैं। अब हम डाल देंगे मिल्क चॉकलेट में। ठीक है जी, इस तरह निकाल लेंगे सारी चॉकलेट्स। ये जो निकल रही है इसको निकलने दीजिएगा, और जो रह जाएगी उसको हम लगा देंगे। ठीक है जी, ये है हमारे केक पॉप्स। ये जो मैंने बनाए इसके ऊपर हल्के हल्के से स्प्रिंकल कर देते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाएंगे ना, क्योंकि इसको अंदर केक भी हमारा ठंडा है बिल्कुल,
तो ये हमारे सूखना शुरू हो जाते हैं फ़ौरन, चिल होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल ठंडी हो गई है क्रीम हमारी। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। फिर उसी टाइम आपने इसके ऊपर जो डिज़ाइन देना होगा दे दीजिएगा। इस तरह मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। ये हम लेंगे आप वाइट चॉकलेट में ऐड करेंगे, जिसको हमने पिंक कलर दिया। जी तो ये देखिए तमाम मैंने बना ली हैं। अब इनको मैं ज़रा फ्रीज़र में रख देती हूँ कि और ठंडे हो जाएं, फिर मैं आपको प्लेट में सजा के दिखाती हूँ। जी तो ये देखिए ये हमारे ठंडे हो चुके थे, तो मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैसे बने हैं। ये देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठंडे हैं इस टाइम। ये खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी ख़ास बच्चों के लिए। उम्मीद है कि बच्चों को पसंद आई होगी। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने ये बनाए कैसे बने। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।